और इस मामले में जिन सपेरों को पकड़ा गया है उनके परिवार वालों से बात की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर ने। एल्विश यादव के मामले में नोएडा पुलिस ने जिन सपेरों को गिरफ्तार किया है उनके परिवार के लोग मेरे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मैं महेंद्र सिंह, ऑल इंडिया नोमेडिक सपेरा विकास फेडरेशन का चेयरमैन हूँ जी। और मेरी फैमिली है जी, वो पीपल्स फॉर एनिमल लाइव्स ने इनकी बीन पार्टी वगैरह के लिए बुकिंग वगैरह की है। अब वो उन्होंने एक प्रोग्राम बताया था कि किसी बच्चे का बर्थडे है, बीन पार्टी चाहिए, तो उन्होंने बुलाया था और इनको यहाँ का टाइम दिया था, किसी पिलर के पॉइंट पर इनको वहाँ बुलाया था, वहाँ इनकी परफॉर्मेंस भी देखी है। अब ये सांप और जहर कहाँ से आ गया सर, हमें पता ही नहीं, ना हमें अभी तक पीड़ित जो बंद है उनसे बात की जा रही है। अब हम इसके बारे में एल्विश यादव जी का नाम जो उछाला जा रहा है, हमारा कोई मतलब ही नहीं, ना उनसे कोई लिंक, ना हमारी फैमिली जानती। हाँ, तो ये तो जांच का विषय है, कर लीजिए। अगर कोई बातें ऐसी एल्विश यादव और राहुल की हुई होंगी तो निकल जाएगी डिटेल, उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं। तो ये पहले, लेकिन हम में एल्विश यादव जी का हम ना ही हमारे कोई लिंक है, ना हमारी कभी कोई बात, कभी बात की एल्विश यादव से इन लोगों ने? नहीं, मतलब ही नहीं, मतलब ही। तो कभी पहले पार्टीज में गए हैं इस तरह से कि पहली बार पार्टी सर, में नहीं, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज ना ही इस तरह की बड़ी रेव पार्टी है। मैं तो मतलब रेव पार्टी में क्या ऐसे लोगों की एंट्रियाँ होती है, मतलब बड़ा हाई प्रोफेशनल वो होता है। सांप कहाँ से लाए और जहर कहाँ से? सर, कहाँ से आए, क्या है, एक एनजीओ है, एनजीओ क्या नहीं कर सकता। ठीक है, तो कुछ और जो परिवार के लोग हैं इनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? बदरपुर के रहने वाले बंद बदरपुर। अच्छा, तो ये पहली बार पार्टी में आए? हाँ जी, ये पार्टी में पहली बार आए। सदा बजाते पार्टियाँ, कुआ पूजन और बारात का जो भंगड़ा पार्टी और ये सब पार्टियों में छोटी मोटियों में चलते रहते हैं सर। पर सांपों से हमारा कोई लेन देन नहीं है। अच्छा, हाँ, हमारी इतनी उम्र आ गई, राजनीति वाले खेल, बस हम ज्यादा शब्द बोलना नहीं चाहते, हमारा एक आदमी बेहोश हो गया। तो करते क्या ये, क्या करते हैं? ये ढोल बजाते हैं और ये लड़का जो राहुल है वो गाड़ी चलाता है, उसमें क्या कॉलेज में गाड़ी लगा रखी है, खमाखा फसाया गया, धोखे से फसाया गया। मतलब सांप पता नहीं कहाँ से आई है? हमें नहीं पता सर कहाँ से हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। अच्छा। और ये पहली बार ही आए इस तरह से? हाँ, पहली बार ही हुआ सर। जब से मेनका ने हमारे पे वैन लगाया ना, हमारे बाप दादा करते थे इस काम को, लेकिन अब नहीं कर रहे। सांप का इलाज करना भी हमारे लोगों ने छोड़ दिया। अच्छा। ये झूठा फसाया जा रहा है। तबीयत खराब। क्या नाम है आपका? नाम क्या? मेरा नाम फूलवती है, कैंसर की मरीज हूँ। आज मेरा कीमो चढ़ना था, ये बच्चे लेके जाते हैं मुझे, ये कागज रहे मेरे पे। तो यहाँ पर जो सपेरों के परिवार के लोग हैं वो काफी नाराज हैं और इनका कहना यह है कि इनको पता नहीं सांप कहाँ से आए। ये लोग जो है शादियों में ढोल बजाने का काम करते थे, लेकिन सांपों के बारे में और जहर के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। नोएडा से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।